Hello friends, I'm Dr. Haleen and today's video is about your favorite topic colors. मैं आज ऑरा कलर्स की बात करूँगी बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मुझे सेवन कलर्स एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ ऑरा की क्या रीडिंग्स रहती हैं, कौन कौन सा कलर किस किस चीज़ में हेल्प करता है. सो आई विल टेल यू दैट एज अ कलर थेरेपिस्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कलर थेरेपी भी सीख रहे हैं, दे वर्क विद कलर्स, दे इनहेल कलर्स, इनटेक कलर्स और कलर्स पहनते हैं, सब कुछ वो कलर्स के साथ हीलिंग करते हैं. इट्स रियली अमेजिंग. तो आज मैं बात करती हूँ दी कलर्स ऑफ ऑरा, फ्यू इम्पॉर्टेंट कलर्स ऑफ ऑरा. आज मैं आपको बता रही हूँ, कलर्स तो बहुत सारे होते हैं बट जो इम्पॉर्टेंट कलर्स हैं मेनली सेवन कलर्स. सो फर्स्ट कलर इज वाइट कलर. जब आपको ऑरा में किसी के वाइट कलर दिखता है या कोई वाइट पहनता है, वाइट यूज़ करता है, या जब हम ऑरा सीन करते हैं, ऑरा फोटोग्राफी करते हैं या ऑरा देखते हैं विद आवर आइज, तो वाइट कलर जब दिखता है तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट कलर दिखता है. ओके, इट्स मोर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट शेड. तो वाइट जब ऑरा में दिखेगा तो तब दिखता है जब क्लेंजिंग हुई होती है या कोई मेडिटेशन करके उठता है, तो आपके ऑरा में वाइट कलर होगा. ओके, तो ये इंडिकेट करता है क्लियर परसेप्शन. किसी का क्लियर परसेप्शन है तो उनका वाइट कलर होगा ऑरा में. अगर गुड हेल्थ होगी, स्पिरिचुअल होगा वो पर्सन, स्पिरिचुअलिटी होगी, फेथ होगा उस पर्सन को सब पे, हर चीज़ पे, ट्रूथफुलनेस होगी, सच्चाई होगी, तो उनके ऑरा में वाइट कलर होगा. ओके, तो आप वाइट कलर कभी भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल विद ऑल द रिलीजन्स और यूनिवर्सल कलर है. सो यू कैन यूज़ एनी टाइम. ओके, तो ये कलर शो करता है कि वो पर्सन अभी पीस में है. ओके, दैट पर्सन इज इन पीस. तो वाइट कलर आपको ट्रांसपेरेंट लुक देगा. द अदर कलर इज रेड. रेड कलर इंडिकेट करता है आपका फिजिकल स्टेट. ओके, फिजिकल स्टेट आपका इमोशंस को शो करेगा, एंगर को, सर्वाइवल, पैशन, फ्रस्ट्रेशन, अट्रैक्शन. ओके, सो रेड कलर इज द कलर ऑफ रूट चक्र, तो वो ये सब चीज़ों को शो करता है. तो किसी को कोई नॉन फॉरगिविंग क्वालिटी रहती है, माफ़ नहीं कर पाते, एंजाइटी रहती है, नर्वसनेस रहती है, मटेरियलिस्टिक थॉट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, हाई बीपी रहता है, पैनिक अटैक्स रहते हैं. अगर कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर रहता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, तो भी उनके ऑरा में रेड कलर होगा. ओके, सो अब दिस पर्सन गेट्स नर्वस ईजिली. ओके, एंड इट इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड. तो ऑरा में जब रेड कलर आता है तो ये सारी चीज़ें आती है. इट्स नॉट दैट यू आर वेयरिंग रेड कलर तो आप में ये क्वालिटीज आ जाएंगी, बट अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, देन अवॉइड वेयरिंग रेड. ओके, तो आप उस वक्त रेड को कम यूज़ कर सकते हैं. बट ऑरा इज़ अ लाइक ये आपकी फिजिकल बॉडी नहीं है, दैट्स योर स्पिरिचुअल बॉडी, आपकी इनर सोल है. तो उसमें जब हम ऑरा कलर्स देखते हैं, जब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ रेड कलर इन योर ऑरा. ओके, अब हम बात कर लेते हैं वायलेट कलर की. वायलेट में बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं, वायलेट में पर्पल शेड्स आ जाते हैं. ओके, एंड इट इज़ द कलर ऑफ क्राउन चक्र. आपके जो क्राउन चक्र है, सिर के ऊपर जो चक्र है हेड पे, दैट इज़ द कलर ऑफ क्राउन चक्र. सो वायलेट मीन्स द पर्सन इज़ अ हीलर और स्पिरिचुअल. ओके, स्पिरिचुअलिटी का कलर है, हीलिंग का कलर है, डिवाइन कलर है वायलेट, द शेड्स ऑफ पर्पल. And the person has strong intuition, okay, and artistic qualities, and the person is really magical. So the violet is seen around a person after meditation, okay. तो आप जब meditate करके उठते हैं तो भी ये color दिखता है, white and purple, both the colors are divine shades. So this color means a person is having suppressed emotions. तो ये color जब आप aura में देखते हैं तो उस person को कहीं ना कहीं दबे हुए emotions ज़रूर होंगे, एंड ओवर सेंसिटिवनेस होगा. ओके, एंड डे ड्रीमिंग, वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करेगा और ओवर सेंसिटिव होगा वो पर्सन. सो अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो मेक योर पेशेंट्स वेयर वॉयलेट इफ़ यू वॉन्ट हिम टू ड्रॉप सम एडिक्शंस और कम आउट ऑफ लॉन्ग मिजरी, या कोई बहुत पुराना पेन है उससे बाहर आने के लिए आप अपने पेशेंट्स को वॉयलेट कलर पहना सकते हो. और आप उनको लाइक वॉयलेट जो एमेथिस्ट होता है, आप ये वॉन्ड दे सकते हो, आप क्रिस्टल्स देख सकते हो, आप पिरामिड्स या बॉल्स दे सकते हो उनको पास रखने के लिए. ओके, और यू कैन गिव अ ब्रेसलेट. देन द नेक्स्ट कलर इज़ येलो. दिस इज़ द कलर ऑफ
fear, nervousness, alertness. Okay, the positive effects of this yellow aura is that it reflects analytical thinking. आपको वो analyze करवाना सिखाता है and pure childlike happiness, joy. It's the color of joy and creativity. Okay, so it is the color of navel chakra, Manipur chakra. It indicates generosity. And this is the color of Jupiter, Guru ka bhi color hai. And ye connected hai spiritual development of a person. Aap kitna spiritually active hai, aap kitna spiritually kis realm mein hai, kis phase mein hai. Okay, and the this is the best color to wear for education, for prosperity and good luck. So avoid this color if the person is very fearful. अगर आपको बहुत डर लगता है हर चीज़ को लेके, मन में डर नेगेटिविटी रहती है, तो इस कलर को अवॉइड कीजिए. द नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज. सो दिस इज द कलर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. ओके, सो दिस इज वॉर्न बाय हिंदूज एंड बुद्धिस्ट सेंट्स. ये कलर हमारा लाइक हमारे भारत का कलर हम बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में इस कलर को यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज द कलर ऑफ इंस्पिरेशन एंड ब्लिस. दिस कलर गिव्स स्ट्रेंथ, पावर, द कलर ऑफ फेस्टिवल, जॉय. ओके, सो दिस इज़ फॉर वार्म हार्टेडनेस एंड अवेयरनेस. आप फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं. ओके, हम ऑरेंज कलर के यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट कलर टू ट्रीट द मेंटल इलनेस. ओके, एंड डिप्रेशन, फियर, डिस्ट्रस्ट. किसी को डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ एपिटाइट, तो आप ये कलर यूज़ करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द कलर ऑफ स्वादिष्ठान चक्र एंड ये हेल्प करता है डाइजेशन में भी. दिस इज़ द कलर ऑफ पैशन एंड द कलर ऑफ अर्थ, मदर अर्थ का कलर है ये. ओके, सो द नेक्स्ट कलर इज ब्लैक. ओके, तो आज मैं आपको अपने नोट्स में से कुछ कलर्स की रीडिंग्स बता रही हूँ एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू रीड योर क्लाइंट्स एंड हील योर क्लाइंट्स. ओके, तो अब कलर की बात करते हैं ब्लैक. सो द ऑरा, इन ऑरा इट इंडिकेट्स नेगेटिविटी. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ब्लैक पहना है तो आपके ऑरा में ब्लैक कलर आ जाएगा. नो. ओके, बट अगर ये प्रॉब्लम्स हैं देन अवॉइड वेयरिंग ब्लैक. तो ब्लैक कलर अगर ऑरा में दिखता है, हमें अराउंड दिखता है, बॉडी के आउटर बॉडी में दिखता है, देन इट मीन्स नेगेटिविटी. ओके, एंड दीज नेगेटिव शेड्स लाइक ब्लैक, रेड, ये और भी कुछ शेड्स होते हैं, तो इनको क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है और इंस्टेंट. ओके, सो दिस कलर इन ऑरा इज मोस्ट डेंजरस कलर अमंग ऑल नेगेटिव कलर्स. सो दिस इंडिकेट्स ब्लैक मैजिक एंड old fear, hatred, anxiety, guilt, depression and being abused in childhood. okay, and divorce or debts, koi karza agar hai, drug addiction, negative tantra practice agar kuch log karte hain to unke aura mein black color dikhai deta hai. so agar ye sab hai to then avoid wearing black. green color, so the next shade is green, the color of peace, and it's the color of soul. Aapki soul ka color, it's the color of heart chakra. The person having this color has healing powers, sensitive, and has feelings, have emotions, love, peace. Okay, so emotions ka color hai, heart chakra ka hai, peace, loving person, and sensitive, healing powers. You have healing capabilities. मैंने बहुत बार बताया ग्रीन इज़ अ हीलिंग कलर. हाँ, सो इट्स द कलर ऑफ मणिपुर चक्र. नो, इट्स द कलर ऑफ हार्ट चक्र एंड इट इंडिकेट्स विल पावर एंड दिस कलर कैन क्योर योर एलिमेंट्स. ओके, हार्ट चक्र से हम क्योर करते हैं, एलिमेंट्स को क्योर करते हैं, लाइक आई डिजीज, स्ट्रेस, डायबिटीज, अल्सर, स्वेलिंग्स, प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट्स, लंग. ओके, तो ये हेल्प करता है आपको रिलैक्स करने में और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये आपकी हेल्प करता है. सो द लास्ट कलर इज ब्लू. दी ऑल दीज मेजर कलर्स आई एम टेलिंग यू, कलर ब्लू रिप्रेजेंट्स डिवोशन. ओके, इट्स द कलर ऑफ थ्रोट चक्र. ओके, इट्स द मैस्कुलाइन एनर्जी, गिल्ट, ग्रैटिट्यूड, डिप्रेशन, इसको भी शो करता है. दिस इज़ द कलर ऑफ थ्रोट, विशुद्धि चक्र. आपको पता है लॉर्ड शिवा का जैसे थ्रोट ब्लू रहता है, उन्होंने नेगेटिविटी को अपने अंदर लिया था. सो पीपल हैविंग ब्लू ऑरा आर डीप थिंकर्स, बहुत डीपली सोचते हैं वो. इट इज़ ऑल्सो अ सूदिंग एंड पीस कलर.
द पर्सन गेट्स एंग्री वेरी लेस. इट्स इट्स अ रिलैक्सिंग कलर, इट्स अ सूदिंग कलर. ये पर्सन के ऑरा में जब ब्लू कलर होता है वो बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं करते हैं. एंड इट्स इट्स ए डीप मेडिटेशन कलर, प्योर नॉलेज. इट हेल्प्स योर नर्वस सिस्टम. ओके, नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है, उनको क्योर करता है. हीलिंग पावर्स आपकी बढ़ाता है. गुड कम्युनिकेशनल स्किल्स बिकॉज इट्स द कलर ऑफ थ्रोट चक्र. कम्युनिकेशन, बोलने का, कनेक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन का चक्र है. एंड पीपल वेयर दिस कलर टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, हेडेक और डिप्रेशन और लोनलीनेस. तो इन सब के वक्त भी आप ब्लू कलर के स्टोन्स, क्रिस्टल्स, लाइट यूज़ कर सकते हो. वी ऑल यूज दिस कलर्स इन कलर थेरेपी, लाइट के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में. सो वी यूज़ ऑल दिस कलर्स. तो ऑरा रीडिंग में हमें सारे कलर्स का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड देन वी कैन हील मैनी मैनी प्रॉब्लम्स थ्रू जस्ट कलर थेरेपी. आप सिर्फ कलर्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हो. सो आई होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी कलर्स के बारे में. अगर आप ऑरा रीडिंग करते हैं विद योर आइज और विद फोटोग्राफी, तो आपको ये कलर्स को रीड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. सो यू कैन मैसेज मी इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट कलर थेरेपी और एनी अदर थेरेपी.